हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एंड चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के अंदर कौन कौन से रूलर आए, किस रूलर ने दिल्ली के अंदर अपनी सिटीज़ को बिल्ड किया एंड किस रूलर ने किसको हराया। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 12th सेंचुरी के अंदर दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। तो उस टाइम पर कौन सी सबसे पहले डायनेस्टी आई थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया, वो थे राजपूत डायनेस्टी। और राजपूत में भी कौन सबसे पहले थे, तोमर राजपूत। ठीक है, तो 12th सेंचुरी के अंदर तोमर राजपूत आए, लेकिन मिड 12th सेंचुरी में तोमर राजपूत को मिड 12th सेंचुरी में तोमर राजपूत को डिफ़ीट कर दिया। किसने डिफ़ीट किया था, चौहान्स ने, चौहान्स ऑफ अजमेर। और चौहान्स को चाहमनाज करके भी रेफ़र किया जाता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। ओके, देखिए तोमर राजपूत के सबसे पहले राजा कौन थे जो दिल्ली पे रूल किए, वो थे अनंगपाल। ओके, एंड चौहान्स की बात करें तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। और तोमर राजपूत एंड चौहान्स के अंडर दिल्ली एक कमर्शियल स्टेट या कमर्शियल सेंटर बन गई थी। और वहाँ पर कॉइन्स मिंट किए जाते थे, जो सिक्के होते हैं, इसलिए उन कॉइन्स को कहा जाता था दिल्ली वॉल, क्योंकि वो कॉइन्स कहाँ मिंट किए जाते थे, दिल्ली में। और एक कमर्शियल ट्रेड का रूप ले चुका था दिल्ली उस टाइम पे, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था अच्छा खासा लेवल पे, एंड वाइड सर्कुलेशन होता था इन मिंटेड कॉइन्स का, जिसे हम कहते हैं दिल्ली वॉल। क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो आपको आइडेंटिफाई करना है टेबल वन में 5 डायनेस्टी को, जिनको मिलाकर दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो मैं आपको एक बार बात समझा दूँ। देखिए, सबसे पहले कौन आए, तोमर राजपूत। तोमर राजपूत को किसने हराया, चौहान्स ने। फिर चौहान्स के बाद 5 किंगडम आई मुस्लिम की, जिन्होंने वन बाय वन करके रूल किया। अब जो ये 5 किंगडम थी या 5 डायनेस्टी थी, इन 5 किंगडम मुस्लिम को हम मैंने रेफ़र किया है यहाँ पे, जो 5 मुस्लिम डायनेस्टी आई हैं, उन्हीं को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और आप ये चीज़ याद रखेंगे, अब जब भी कोई नाम आप सुनेंगे दिल्ली सुल्तान्स, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सबसे पहले कि उसमें 5 डायनेस्टीज़ को रेफ़र करते हैं, 5 मुस्लिम डायनेस्टी को। ओके, दिल्ली सुल्तान्स ने काफ़ी सारी सिटीज़ को बिल्ट किया, और दिल्ली में जो जो सिटीज़ उन्होंने बिल्ट की, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। दिल्ली है कुहना, सिरी एंड जहापना, तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको ये एक अच्छे से क्रोनोलॉजिकल वे में याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छे से समझ आएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो दिल्ली सुल्तान्स है, इनके बारे में हमें पता कहाँ से चला। देखिए, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर हम पर्शियन लैंग्वेज में जो ऑलरेडी हिस्ट्रीज लिखी हुई हैं, वो है तारीख, जिसे सिंगुलर वर्ड कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में, एंड त्वारिक, जिसे प्लूरल वर्ड में बोला जाता है। ठीक है, एक बार इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि जो क्रॉनिकल्स होते थे ना, उनको स्क्राइब्स लिखते थे। ओके, क्रॉनिकल्स को कौन लिखते थे, स्क्राइब्स लिखते थे। मैं एक बार क्रॉनिकल लिख देती हूँ, और इनको कौन लिखता था, स्क्राइब्स लिखते थे। अब क्रॉनिकल क्या होते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा लास्ट चैप्टर में, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। जब पास्ट इवेंट्स को एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख कर रखा जाता है, और उनको लिखता कौन है, स्क्राइब्स लिखते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये जो तारीख एंड त्वारीख होती क्या थी, इनके अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो जो क्रॉनिकल्स हैं वो लिखे जाते थे स्क्राइब्स के थ्रू, और जिनको कहा जाता था तारीख एंड त्वारीख, किसमें कहा जाता था, ये पर्शियन लैंग्वेज में, और ये दिल्ली सुल्तान्स के लिए हिस्ट्रीज लिखी जाती थी इसमें। और जो तारीख है, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है हिस्ट्री या फिर हिस्टीरियोग्राफी। और जब इन और इनकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो इनकी लैंग्वेज होती थी पर्शियन। और ये लैंग्वेज किसकी थी, पर्शियन लैंग्वेज, ये थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशंस थे। ठीक है, जिसमें हम 5 मुस्लिम डायनेस्टीज़ की बात कर चुके हैं, उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन। जो त्वारिक के ऑथर्स होते थे, ये बहुत लर्न्ड मैन होते थे, काफ़ी पढ़े लिखे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कर्टियर्स। ठीक है, और ये जो ऑथर्स थे, ये इवेंट्स को रिकाउंट करते थे एंड रूलर्स को एडवाइज भी करते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कैसे आप देख सकते हैं, जो लिखा जाता था, इनकी हिस्ट्रीज लिखी जाती थी। ठीक है, देखिए, यहाँ पे पहले पेपर को प्रिपेयर किया है।
ओके. नेक्स्ट बी में राइटिंग द टेक्स्ट जो यहाँ पे किया जा रहा है. थर्ड मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस. अब यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए गोल्ड को मेल्ट करके जो वर्ड्स होते थे, जो इम्पोर्टेंट लाइन होती थी, उसको हाईलाइट किया जाता था. जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो वो हाईलाइट करते थे गोल्ड को मेल्ट करके, और फिर लास्ट में बाइंडिंग ऐसे की जाती थी. ठीक है, जो क्योंकि टेक्स्ट तैयार हो गया फिर बाइंडिंग की जाती थी लास्ट में. तो ये तरीका था इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तैयार करने का. और हाँ, इनको हमने अभी जैसे हिस्ट्रीज़ पढ़ा है, तारीख एंड त्वारीख को, इसको आप मैन्यूस्क्रिप्ट के तौर पे भी समझ सकते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत थे इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी. द सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. फ़क्र ए मुद्दबीर ने लिखा था 13th century में कि एक किंग अपने सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और सोल्जर्स सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, और सैलरीज कहाँ से आती है, रेन्यू कलेक्ट करते हैं, किससे, पीजेंट से, और पीजेंट्स वो पे कर सकते हैं जब वो प्रॉस्परस हों या फिर बहुत खुश हों. और किंग का काम ही है कि उनको जस्टिस देना, उनके लिए ऑनेस्टी को प्रोवाइड करना, और अपना जो वो उनका जो रूल है वो ऑनेस्टी के साथ करना. तो जब ऑनेस्टी रहेगी तभी पीजेंट प्रॉस्परस एंड हैप्पी होंगे, और तभी वो अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे, तभी किंग फिर उनको सैलरीज दे पाएंगे. ठीक है, तो इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, और ये आपको याद होना चाहिए कि सर्कल ऑफ जस्टिस किसने लिखा था और इसके अंदर क्या लिखा था, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम त्वारीख के बारे में पढ़ लेते हैं. जो ऑथर के जो त्वारीख के ऑथर होते थे वो मेनली सिटीज़ में रहते थे, मतलब दिल्ली में, और बहुत ही रेयरली होता था कि वो विलेजेस में विजिट करते थे या रहते थे. सेकंड पॉइंट ये है कि वो लोग हिस्ट्रीज जो लिखते थे दिल्ली सुल्तान्स के लिए, वो एक रिच रिवार्ड को गेट करने के लिए, मतलब उनको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलेगा राजा से, इसलिए लिखते थे. एंड थर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एडवाइस भी करते थे रूलर को कि वो अपने आइडियल सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करें, बचा के रखें. जिसका मतलब किस पे बेस होती थी वो चीज़ें, बर्थ राइट पे एंड जेंडर डिस्टिंक्शन पे. अब बर्थ राइट का मतलब क्या है, जो प्रिविलेज सोसाइटी में, इंपॉर्टेंट सोसाइटी में पैदा हुआ है, एंड जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है उनके अकॉर्डिंग, त्वारीख के अकॉर्डिंग, वुमेन एंड मैन कैन नॉट पुट टुगेदर ऑन एन इक्वल स्केल. तो उनके लिए ये था कि वुमेन जो है वो मैन के अंडर ही होती है, तो वो ये जेंडर डिस्टिंक्शन एंड बर्थ राइट को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे. और उनके जो आइडियाज़ होते थे, जो आइडियाज़ त्वारीख देते थे, ये कहीं भी शेयर नहीं किए जाते थे. देखिए 1236 में क्या हुआ कि सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर है रज़िया, ये पहली लेडी थी जो कि सुल्तान बनी, और उस टाइम पे क्रॉनिकलर आए मिन्हाज ए सिराज, आपको इनका नाम याद रखना है. मिन्हाज ए सिराज ने क्या किया, इन्होंने एक इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि रज़िया के ऑलरेडी 4 brothers हैं, लेकिन वो इन 4 brothers से अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा एबल है, ज़्यादा क्वालिफाइड है अपने 4 brothers से. और जो मिन्हाज ए सिराज थे ये क्रॉनिकल लिखते थे और ये हिस्टोरियन पर्शियन हैं. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो रज़िया है उसको एज अ क्वीन कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि किसी से सहन नहीं हुआ कि एक विमेन है जो वो उनको रूल कर रही है, इसलिए 1240 में उनको रिमूव कर दिया गया थ्रोन से. अब हम मिन्हाज ए सिराज के थॉट्स देख लेते हैं अबाउट रज़िया. इन्होंने कहा कि जो ये क्वीन है, जब इन्होंने रूल किया तो ये सोशल ऑर्डर के खिलाफ था, जो कि सोशल ऑर्डर किसने क्रिएट किए हैं, गॉड ने, भगवान ने. और इन्होंने कहा कि उनके अकॉर्डिंग जो विमेन है वो मैन की सबॉर्डिनेट होती है, मतलब सहायक होती है. और उस उन्होंने कहा कि जो गॉड का क्रिएशन है उस रजिस्टर में कॉलम्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम होता है मैन का और उनके अंडर ही नाम आता है विमेन का. तो ये सब उनके थॉट्स थे जो कि जेंडर डिस्टिंक्शन को शो करते हैं. अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. रज़िया ने अपने इंस्क्रिप्शन में, अपने कॉइन्स में मेंशन किया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है, और ये बिल्कुल कंट्रास्ट में देखा जा सकता है जब हम क्वीन रुद्रमा देवी की बात करते हैं, जो कातकीय डायनेस्टी की रूलर रही हैं. ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं. ये सब याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो आंध्र प्रदेश का पार्ट था वारंगल, और वहाँ पे कातिक के डायनेस्टी थी.
अब बात करते हैं रुद्रमा देवी के ने क्या किया कि रुद्रमा देवी ने अपना नाम चेंज किया अपने इंस्क्रिप्शंस में और एज अ मैन प्रिटेंड किया। तो आपसे नाम पूछ सकते हैं कि किस क्वीन ने ये काम किया था कि अपने इंस्क्रिप्शंस में एज अ मैन अपने आप को प्रिटेंड किया था। तो नाम याद रख लेना, डायनेस्टी याद रख लेना। फिर एक अनदर क्वीन आती है दीदा, जो कि रूल कर चुकी हैं कश्मीर में 982-1003 तक। इनका जो टाइटल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, दीदा, जो कि कहाँ से आया है, दीदी से मतलब एल्डर सिस्टर से, जिसका मतलब भी ऑब्वियसली यही होता है कि अफेक्शनेट, लव, वॉर्म्थ, जो एक टर्म दी जाती है एल्डर सिस्टर को। ठीक है, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दीदा का मतलब क्या है, कहाँ से ये मीनिंग आया है। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनेट। अब हम दिल्ली सल्तनेट का एक्सपेंशन देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने एक्सपेंड किया अपने कंट्रोलिंग पावर को। हिंटरलैंड टर्म की बात कर लेते हैं, वो लैंड जो एडजसेंट होती है, बिल्कुल जुड़ी हुई होती है सिटी से, पोर्ट से, और वहाँ पर गुड्स एंड सप्लाई किए जाते हैं उस पोर्ट के थ्रू जिससे वो, जिस लैंड से वो जुड़ी हुई होती है। और गैरिसन टाउन वो होती है ऐसा सेटलमेंट जो सोल्जर से घिरा हुआ होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जो दिल्ली सल्तनत है इन्होंने 13th सेंचुरी में 45 टाउन्स तक कंट्रोल किया, या जो इनका किला हुआ किला होता था वहाँ तक इन्होंने कंट्रोल किया और थोड़ा सा उसके बियॉन्ड। और वो किससे ऑक्यूपाई होता था, गैरिसन से। गैरिसन मतलब यहाँ पर क्या है, सोल्जर्स। ठीक है, और जो सुल्तान्स थे इनका हिंटरलैंड पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं था, तो इनको ट्रेड के लिए एंड ट्रिब्यूट के लिए उन सप्लाईज पर डिपेंड रहना पड़ता था, या तो वो सप्लाईज का प्लंडर करते रहते थे, और मतलब ये सब इनका चोरी वगैरह, या फिर उनको ट्रिब्यूट के लिए वेट करना पड़ता था। तो ऐसा सब कुछ था और बहुत मुश्किल भी था अगर ये डिस्टेंट प्लेसेस जैसे बंगाल एंड सिंध कि गैरिसन टाउन्स पर अगर ये कंट्रोल करें तो, क्योंकि दिल्ली से इतने डिस्टेंट प्लेसेस पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता था। और साथ के साथ उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे, जैसे कि मंगोलियाज, जो मंगोल्स थे, मंगोल इन्वेजन हुआ और इनका एक्सपेंशन अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में भी था, और मंगोल से इन्होंने चैलेंज जो है वो देखा, और साथ के साथ गवर्नर्स ने भी इनको चैलेंज किया दिल्ली अथॉरिटी को, और ये बेयरली इन चैलेंजेस को सर्वाइव कर पाए। फिर इसके बाद आती है खलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं एक बार खलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी के आपको रूलर्स दिखा देती हूँ। ओके, खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी एंड तुगलक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए उसी पेज पर हम चलते हैं फिर से। तुर्किश डायनेस्टी के टाइम पे दिल्ली इतना एक्सपेंड नहीं कर पाया, उनका जो कंट्रोलिंग पावर है वो इतना एक्सपेंड नहीं हो पाया, लेकिन ये एक्सपेंशन जब हुआ, जब अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, मतलब खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी आई। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करेंगे। एंड दिस एक्सपेंशन हैज़ बीन सेटअप थ्रू इंटरनल फ्रंटियर एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है, जब दिल्ली सल्तनत जो जितने भी जो सुल्तान्स थे इन्होंने क्या किया, हिंटरलैंड पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, और ये जो हिंटरलैंड होता था यहाँ पे क्या था, कॉमर्स, ट्रेडिंग पावर, एंड इसका मतलब इन्होंने सप्लाईज एंड गुड्स इन पे कंट्रोल किया। तो इन्होंने फॉरेस्ट क्लियर करा दिए जो भी गंगा एंड यमुना के बीच में, गंगा एंड यमुना रिवर के बीच में थे। अब वहाँ पे जो भी गैदरर्स एंड पेस्टोरल्स रहते थे, पेस्टोरल क्या होते हैं, जो चरवाहे होते हैं वो रहते थे, उनको एक्सपेल कर दिया अपने जहाँ, जिस जगह पे, जिस फॉरेस्ट में वो रहते थे उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसी को कंटिन्यू करेंगे। उनको एक्सपेल करने के बाद ये जो प्लेसेस थे ये पीजेंट्स को दे दिए गए थे, ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर को एनकरेज कर पाए, उनके जो कॉमर्स एंड ट्रेडिंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़े। प्लस उन्होंने न्यू फोर्टेसेस बनाए, टाउन्स बनाए, वो एस्टेब्लिश किए ताकि ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट कर पाएँ एंड रीजनल ट्रेड को प्रमोट कर पाएँ। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर की। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने क्या किया, जो दिल्ली से बियॉन्ड एरिया थे, जो बहुत दूर दूर के एरियाज थे, वहाँ पर कंट्रोलिंग पावर करना स्टार्ट किया, मिलिट्री एक्सपेंडिशन स्टार्ट की। तो सबसे पहले कहाँ की, सदर्न इंडिया में, और किसके रेन में की, अलाउद्दीन खलजी के। और आपको इसका नाम पता होना चाहिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और फिर मिलिट्री एक्सपेंडिशन को अलाउद्दीन खलजी के बाद किसने और अच्छे तरीके से डेवलप किया, वो किया मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ फिनिश हो चुका था। और जो दिल्ली, जो इस टाइम पे खलजी डायनेस्टी के जो सल्तनत थे, इनकी आर्मीज ने एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव्स, इन सबको कैप्चर किया एंड प्रीशियस मेटल्स को कैप्चर किया।
फिर मोहम्मद तुगलक का जो एक तरफ से उनका रेन है वो एंड हुआ। चलिए अब हम द मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो मॉस्क होता है उसको मस्जिद कहा जाता है अरेबिक लैंग्वेज में। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। और इसका मीनिंग क्या है, इसका लिटरली मीनिंग क्या है वो भी आपका आपसे पूछा जा सकता है। जब मुस्लिम प्रोस्ट्रेट करते हैं इन रेवरेंस टू अल्लाह, मतलब एक दंडवत प्रणाम आप जिसे बोल सकते हैं, वो अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क का मीनिंग क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जब मुस्लिम अपनी प्रेयर एक साथ बैठ के करते हैं, मतलब जो अपनी नमाज पढ़ते हैं वो एक साथ पढ़ते हैं, और इस उसे कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशनल। और कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मस्जिद जामी एंड जामा मस्जिद। और जो कॉन्ग्रीगेशन होते हैं वो एक अपना रिस्पेक्टेड एंड लर्न्ड मेल चुनते हैं जो उनका लीडर होता है, जिसे कहते हैं इमाम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इमाम क्या होता है। और जो इमाम है वो इन रिचुअल्स को, जो ये प्रेयर की रिचुअल होती है, इनको परफॉर्म करता है, जैसे कि सरमन्स जिसे उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है, खुतबा उनको डिलीवर करते हैं। और कौन से दिन होता है ये होती है फ्राइडे प्रेयर में। और वैसे यूजुअली जो मुस्लिम होते हैं वो मक्का को फेस करके अपनी प्रेयर करते हैं। और इंडिया में ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है और आपको इसको ध्यान से करना है कि मुस्लिम मक्का को, जो मक्का है, मक्का मदीना, उसको फेस करते हुए अपनी प्रेयर को पढ़ते हैं। और इंडिया में कौन सी डायरेक्शन पड़ती है, वेस्ट, और इसको कहा जाता है किबला। फिर हम बात करते हैं कुव्वत अल इस्लाम की। ये एक मॉस्क और मिनारेट है, एंड इसको बनवाया था, इसकी जो मीनार है इसको बिल्ड कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश ने। ठीक है, आप इनका नाम याद रखना है। ये एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, ये भी पता होना चाहिए। और इसको कहाँ पे, किस क्रॉनिकल में डिस्क्राइब किया हुआ है, दिल्ली ए कोहना। ठीक है, और इसको बाद में किसने एनलार्ज किया, इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खलजी। अब देखिए एनलार्ज जब किया, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं है, अलाउद्दीन खलजी का नाम है, कंफ्यूज मत होना, इल्तुतमिश दोनों में ही आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखने का मैं एक तरीका बता रही हूँ। फिर हम बात करते हैं बेगमपुरी मॉस्क की, जो मोहम्मद तुगलक के रेन में बनवाई गई थी। और जो ये बेगमपुरी मॉस्क है ये एक मेन मॉस्क है जहांपनाह की, और जहांपनाह को सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सीटेट में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आती है मोट की मस्जिद, जो कि सिकंदर लोधी के रेन में बनवाई गई थी बाय हिज मिनिस्टर। एंड देन मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, जो कि लेट 1520s में बनवाई गई थी। अब आगे भी हमारा काफ़ी चैप्टर बचा हुआ है और ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैं इसको पार्ट में आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये इसका सेकंड पार्ट आएगा और उसको भी हमने डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसलिए मैं आपको ये सेकंड पार्ट में जो हाफ चैप्टर बचा हुआ है वो मैं करवाऊँगी। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।